पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक त्रिलोचन सिंह ने उछाला जूता। मुख्यमंत्री ने बताया शर्मनाक। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ने एक दूसरे पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। SC ST कमीशन में दर्ज करवाई शिकायत। पंजाब विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र से मिली ग्रांट का इस्तेमाल करने में विफल रही राज्य सरकार। करीब 54,000 बच्चों को नहीं मिल पा रहा मिड डे मील। सूबे के कॉलेजों ने किया UGC के नियमों का उल्लंघन। मिशन 2017 को लेकर पंजाब कांग्रेस का आज मंथन। प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक को करेंगे संबोधित। आखिरकार खत्म हुआ इंतजार। मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शारजाह के लिए पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भरेगी उड़ान। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के नेतृत्व में दुबई जाएगा प्रतिनिधिमंडल। आज अमृतसर में होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का पड़ाव। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। छोटेपुर बोले 16 सितंबर के बाद करूंगा अगली रणनीति का खुलासा। आज से बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश का 3 दिवसीय हरियाणा दौरा। पार्टी के विधायकों मंत्रियों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। सरकार और संगठन के कामकाज का लेंगे फीडबैक। हिंदी दिवस पर राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा की आत्मकथा जी फैक्टर के हिंदी संस्करण का हुआ विमोचन। दिल्ली की साहित्य कला अकादमी में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किया विमोचन।